ग्रुप फोटो टाइम, मैं भी जा रहा हूँ ग्रुप फोटो टाइम। मम्मी नहीं है, मम्मी आ गया, मैं भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त हुसैन लखानी। आज 10वां रोज़ है और घर पे बैठ के बहुत बोर हो रहे थे, कुछ करने का नहीं, तो हमने सोचा कहीं चल के इफ्तार करते हैं। और सीन ये है कि हम जा रहे हैं ठट्टा की तरफ इफ्तार करने के लिए, सारा सामान वगैरह हमने थोड़ा सा गाड़ी में डाल दिया, कैंपिंग वैम्पिंग का कोई सीन नहीं है। और बस एक शॉर्ट सा प्रोग्राम है, इफ्तार करेंगे, उसके बाद वहाँ बारबेक्यू करेंगे काला पहाड़ में। लोकेशन आप पहले भी देख चुके होंगे, वहाँ थोड़ा बारबेक्यू करते हैं, दोस्तों के साथ बैठेंगे। मौसम थोड़ा सा अच्छा है, क्लाउडी है, शायद बारिश का भी चांस है, देखते हैं। सीन ये हो गया है बैड सीन के गाड़ी की बैटरियाँ हो गई हैं डाउन, शॉर्ट ट्रिप के बाद से जो है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है और गाड़ी ने दे दिया धोखा। सामान सारा रेडी है और लगे पड़े हैं सारे हमारे हजरात जो है वो गाड़ी स्टार्ट करने के चक्कर में, थोड़ी देर कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, वरना क्या करेंगे, काला भाई की गाड़ी ले लेंगे और क्या करेंगे, नहीं जाएंगे घर बैठ जाएंगे, इधर यहाँ दरी बिछा के इफ्तार कर लेंगे भाई, इधर ही कर लेंगे और क्या करेंगे। बैठ हो गई भाई, हो गई गाड़ी स्टार्ट हो गई जी, अलहमदुल्ला आप लोगों की दुआओं से ज़बरदस्त गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब हमारा प्लान हो गया रेडी। देर काफ़ी हो गई है, पता नहीं इफ्तार तक सनसेट तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इफ्तारी भी बनानी है और तैयारी भी करनी है। सोचा था आप लोगों को शाम के जो है वो खूबसूरत सनसेट के मनाजर छोटा सा ड्रोन शॉट बना के भी दिखाऊंगा, लगता नहीं कि पहुंच पाएंगे, 10 जगह रास्ते में भी रुकना है। एज ऑलवेज हमेशा से लेट दूर फटे में चलते हैं भाई, चलो बैटरी के साथ साथ ही एक और भी फंड, डीजल टैंक 0। बस अल्लाह का शुक्र है एयरलॉक होने से बच गई है, रोज़ा भी लग रहा था, गाड़ी को प्यास से गला खुश हो रहा था बेचारी का, हमने ऐन मौके पे आके इसको डीजल पिला दिया थोड़ा सा वरना एक के बाद दूसरी मुसीबत हो जानी थी, अगर एयरलॉक हो जाती तो सारा प्रोग्राम हमारा हो जाने का ख़राब जी। अलहमदिल्ला टाइम पर पहुँच गए पम्प पे, डीजल भरवाते और वहाँ से गालियाँ पड़ना शुरू हो गई, हमेशा की तरह हर बार पड़ती है, कोई मसला नहीं, हम तो डीजल हमको असर नहीं पड़ता, गालियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई, सब वेट करें डीजल भराते और वापस आएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी बाजी? ठीक है, ज़्यादा तुम आगे वही कंप्यूटर खड़ा, उसमें फिर पॉइंट डाल देंगे आप, जितना बर्फ आ रहा है इसी में दे। ये क्या कोयला है? ये भी कोयला है, ये भी कोयला है। और ये भी तो पीने का, ये भी तो पीने का, ये भी तो पीने का, पानी कुछ पीने के बाद भी तो पानी भी पिएगा। अबे भाई तुझे क्या हो गया यार, रोजा रखा है तुमने, क्या किया तेरे को? रोजा रखिए वहाँ पे इसको होश आएगा, अभी इसकी हो रही है। ओ भाई क्यों पीने पानी, मोल्ट है ना, क्योंकि हम इंसान के बच्चे हैं, फिर मोल्ट को लिया पानी क्यों, मोल्ट अपन वहाँ पे बांट देंगे। अबे भाई को छोड़ यार, चल भाई चल, मैं जा रहा हूँ, चांदी चांदी तो डालो, चांदी गोद में डालो, चांदी उठा, मैं तो बोलता हूँ ऊपर डाल दे, चल भाई चल भाई निकलो, खराब कर दिया सारा यार, जगह है नहीं, एक तो उसके घर पे सारा झाड़ पत्ते लगा के रखे हुए, ये कोई घर है यार, ये कोई गली है पता नहीं यार, इधर को इतना झाड़ पत्ते लगा के रखता है बंदा बैठ नहीं सकता यार, छोड़ चल भाई चल यार निकलता हूँ। कितने घंटे का रास्ता है? वैसे तो मैं डायरेक्ट जाऊँगा, 1 घंटे में पहुँचा दूंगा, तो 1 घंटे में पहुँचा दूँ तुम्हें, क्योंकि सामान के लिए रोकोगे फिर बोलेगा भाई को सामान हम लगाते हैं ना, हम लगाते हैं ना, क्यों रुक रहे, तुम डायरेक्ट पहुँचो, तुम कहीं नहीं, मैं लाला को फोन करूँ, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, रास्ते को फोन करेंगे, हम नहीं रुक रहे, मैं तो आज डीजल निकल जाऊंगा फिर रास्ते में, मेरा तो डीजल फुल करा लिया, हम नहीं रुक रहे, वो लोग गलती से बोल रहे हैं।
साढ़े पाँच हो रहे हैं तकरीबन, और इस वक्त हम पहुँचे हैं घरों पे। उम्मीद तो नहीं है कि इफ्तार हम वहाँ पहुँच के उस जगह पे उस लोकेशन पे कर पाएंगे, कोशिश तो पूरी है लेकिन मुश्किल है, सब लाला की वजह से हुआ है, बहुत देर कर दी उसने आज। देखते हैं, तो घरों आया है जाके, ठट्टा आया, ठट्टा के बाद फिर वो अंदर का सारा ऑफ रोड का रास्ता है, कोशिश करते हैं वहाँ। अच्छा जी, टाइम हो गया है इस वक्त 6:05 बज गए तकरीबन, और हम पहुंच गए हैं ठट्टा। ज़्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ा सा ही मेरे ख्याल से 5-7 मिनट का रास्ता है, और उसके बाद फिर अंदर लेफ्ट टर्न पे होके हमें चिलियाबंद से अंदर ऑफ रोड के लिए मुड़ जाना है। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह, अब आसार लग रहे हैं कि हम डे लाइट में और मगरिब से पहले पहले पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सारे बाइकर्स को मैंने छोड़ दिया पीछे, मैं तो स्पीड मार के भाग गया आगे, मुझे तो पहुंचना है भाई, कंटेंट बनाना है, मैं क्या सबका इंतज़ार करता रहूँगा क्या। मैं तो निकल गया भाई, ये मकली का कब्रिस्तान है, ये दिखाएं ज़रा, मकली का कब्रिस्तान ही ऊपर जा रहा है पूरा, और इसको क्रॉस कर लिया, और अब 2 मिनट का ही रास्ता है। कदीमी बहुत ही बड़ा मकली का कब्रिस्तान, आप लोगों ने बहुत से ब्लॉग में, बहुत सी यूट्यूब में देखा होगा। ये ना, देखो K4 प्रोजेक्ट बन रहा है अंदर, तो अंदर रोड भी बनना शुरू हो गया था लास्ट टाइम, अब पता नहीं आगे बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। तो जी नाजरीन, हम अपने ऑफ रोड की जानेब अब जो है वो गामजन हो चुके हैं। हाँ अच्छा, बैठी टाइम हो गया है 6:15 माशाल्लाह से, 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे का है। उम्मीद है 10-15 मिनट आपको सनसेट से पहले मिल जाएंगे। ये पानी आना शुरू हो गया है, ये केंजर झील का दूसरा हिस्सा है, केंजर लेक का ब्लू ब्लू खूबसूरत ठंडा ठंडा मीठा मीठा प्यारा प्यारा पानी रोज़े में देखो जैसे जा सके। तो ये केंजर झील की जो है वो बैक साइड है, जो मेन केंजर लेक है वो दूसरी तरफ पड़ती है, और इसका कुछ हिस्सा इस तरफ पड़ता है, और हम जो ये जा रहे हैं काला पहाड़ की साइड पे, ये भी जो है वो केंजर झील का ही हिस्सा है, केंजर लेक का ही हिस्सा है। स्पॉट बड़ा खूबसूरत सा है, पब्लिक का एक्सेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, और वैसे भी रमज़ान है, शायद कोई नहीं होगा, हम ही पागल हैं जो रोज़ों में निकल के इधर तक आ गए, चलिए गालियाँ खा के यहाँ तक आ गए। बहरहाल देखते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में, अब ये रास्ता तो सारा ऑफ रोड का कच्चा कच्चा है, थोड़ी देर में अंदर स्पॉट पे पहुंच के अपडेट करता हूँ, और पता नहीं कुछ नहीं पता नहीं बन जाता। ये आप सीन देखें जी, ये है। अच्छा मैं गाड़ी थोड़ा दूर लगूँगा, दरख्त सबको लाइटें बांधनी होगी ना पहले। जी ये है हमारा स्पॉट काला पहाड़, ग्रीन ये पूरी ग्रास है, सामने केंजर झील का पानी है, दूसरी तरफ वो पंखे चल रहे हैं, वो सारा का सारा जो है वो नूरियाबाद के विंड मिल लगे में। और क्या है भाईजान, खैरियत है? तो यहाँ हम अपना लगाएंगे सेटअप थोड़ा सा, और यहाँ बनाएंगे इफ्तार, लड़कों का वेट करेंगे, जब तक आए मैं आपको स्पॉट दिखाता हूँ। और आइए, गाड़ी बंद नहीं करनी क्योंकि बैटरी लो है, गाड़ी स्टार्ट रहेगी। बैटरी है ना, बैटरी तो बैकअप है ना। अच्छा जी, तो हम यहाँ पहुँच गए, इस वक्त टाइम कुछ हो रहा है 7:15 भी नहीं बजे, कुछ 15-20 मिनट हैं इफ्तार होने में। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, लड़के अभी आ रहे हैं राइडर्स, यहाँ अभी लाइटिंग वाइटिंग लगाते और दरियाँ बिछाते हैं, इफ्तार की तैयारी करते हैं। ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है पूरा, ये जो है वो देखिए, ये सामने ज़बरदस्त खूबसूरत ठंडा पानी हो रहा है केंजर झील का। सनसेट होने वाला है तकरीबन 10-15 मिनट में,
कोशिश करता हूँ ड्रोन उड़ाने की, और ये है खूबसूरत जगह, मेरा फेवरेट सिंध में एटलीस्ट जो है वो मेरा फेवरेट कैंपिंग स्पॉट है सिंध में। इससे खूबसूरत जगह मेरे नहीं ख्याल है, वैसे तो गोरख भी है, रानीकोट भी है, लेकिन इस तरह की जो नेचुरल जगह है ना वो सिंध में कहीं नहीं है। आपको जहाँ घास भी मिले, नेचर से करीब तर जो घास है, दरख्त है, ग्रीनरी थोड़ी सी है, ठंडा पानी है, नहाने का भी सीन है, और मीठा पानी है, चाय भाई भी बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं। इससे बेहतरीन खूबसूरत स्पॉट मैंने सिंध में नहीं देखा जी। तो ये है जगह, बस इफ्तार की तैयारी करते हैं, मैं इसको लगाता हूँ टाइम लैप्स पे और ड्रोन उड़ाता हूँ, और बस शुरू करते हैं काम जी। रेडी रेडी स्टडी गो। लेट हो जाने की वजह से ज़ाहिर है सेटअप करने में टाइम लग गया और मैं बैठ गया ड्रोन की फुटेज बनाने के लिए। बहरहाल रोज़ा हमने इफ्तार कर लिया है, लेकिन तैयारी हमने कुछ की नहीं है अभी तक। राइट साइड लगाते हैं फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अच्छा जी, सेटअप हमारा हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप लाइटिंग का। 4-5 घंटे के लिए हमने इतनी मेहनत करके ये सेटअप किया है भाई। सेटअप ना होना तो यार मज़ा नहीं है भाई, सेटअप ज़रूरी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से जंगल में मंगल कर दिया है। लाइटें वाइटें वो वहाँ आसिफ भाई चाय बना रहे हैं दरख्त के पीछे, वो वॉल बना के, हवा बहुत है, और ये दरियाँ बिछी हुई है, दरियाँ और बिछ जाएंगी, लड़के आ जाएंगे तो। और हो गया ये जी जंगल में मंगल। थोड़ा सा मैं आपको और दूर से जाके दिखाऊं, कैसा लग रहा है आमिर? ये देखिए जी, ये है हमारा सेटअप, 4-5 घंटे का सेटअप है, पता नहीं कितनी देर तक बैठेंगे, लेकिन वो वहाँ है ना, वो देखो वहाँ पे वो बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं दरख्त के पास। ये चाय बन रही है, यहाँ बैठक होगी, ये गाड़ी खड़ी है, और चारों तरफ हो गया है जी अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लाइटें नज़र आएंगी उस तरफ, वो देखी चमकी हुई। हाँ, ये विंड मिल्स हैं सारी नूरियाबाद की, और जंपीर में जो विंड मिल्स लगी हुई हैं ये वो है, बीच में सारा पानी है। और ये जी खूबसूरत सा जो है ये शाम, खूबसूरत हमारा सेटअप, खाने पीने की है तैयारी, इफ्तार हमने कर ली है। व्लॉग था ये इफ्तारी एट काला पहाड़ वाला, लेकिन इफ्तारी तो मैंने दिखाई नहीं अब, क्योंकि हमने इफ्तारी बनाई नहीं है, इफ्तारी हमने की नहीं है, सिर्फ जूस पिया है। चाय इंजॉय कर, ऑलमोस्ट तैयार है, जोश आ जाए तो फिर चाय पीते हैं। और आमिर भाई क्या कर रहे हैं? इस वक्त हो रही है यहाँ चाय एंजॉय, ये देखिए ज़बरदस्त बेहतरीन चाय बनाई आसिफ भाई ने। परवेज जी को काला पहाड़ क्यों बोलते हैं? बस ऐसे ही बोलते हैं, काला पहाड़। पहाड़ तो कोई नहीं है यहाँ पे, पहाड़ इधर नहीं है, वो दूसरी जगह पे है रास्ते में, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है यार। अच्छा। ये हमारा दोस्त है परवेज,
हम जब भी आते हैं ना तो इसके साथ बैठते हैं यहाँ पे, ये हमको यहाँ लेके आता है, लोकल है, यहीं पे रहता है, ये हमारा दोस्त भी है। जब भी कोई आए तो और जब भी किसी को आना हो तो मेरे जो है वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको परवेज़ का नंबर देंगे, परवेज़ आपको यहाँ पे लेके आएगा और आपके साथ रहेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा मसला होता है, तो ये बंदा जो है वो बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, ये यहाँ पर रहेगा भी आपके साथ, हेल्प भी करेगा और लोकल होगा साथ, तो आप लोगों के लिए भी सपोर्ट रहेगी, कोई तंग नहीं करेगा यहाँ पे, पता है लूटमार वगैरह हो सकती है कभी भी ना, तो ज़रूरी है। तो बहरहाल ये है सीन, बारबेक्यू का हमने यहाँ पे सेटअप लगा दिया है वहाँ पे, और सेटअप क्या खूबसूरत लग रहा है यार, कमेंट करके बता दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सेटअप के लिए ही कर दो यार, मेरे लिए नहीं, तो सेटअप तो इतना अच्छा लगाया, इतनी मेहनत से यार, उसके लिए ही कर दो यार। लाइट लेके जाते हैं और वसू कर लेते हैं, अंधेरा है चूँकि नज़र कुछ नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे लड़के बैठे सीखे दोरे। ये जी क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है जी आपको, लाइटें वाइटें भाई आपके भाई के पास दबा के पूरा बैग भर के जो है ना वो लाइटें और चीज़ें होती हैं हमारे पास, दूर से ये देखिए ये हमारा सेटअप, ओए होए 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 क्या व्यू दे रहा है जी, क्या बात है भाई। और यहाँ जो है ये लड़के बैठे ये क्या कर रहे हैं, ये देखें ये धो रहे हैं जी बर्तन सीखें, और ये जी बारबेक्यू की तैयारी, उमेर भाई लगे पड़े हुए ज़बरदस्त, उमेर भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, कॉन्टेंट दिए जाओ, यही हुसैन भाई ने सिखाया जो हमने कर रहे हैं, सब हुसैन भाई ने सिखाया, ना करो यार कि भाई पानी संभाल करना, आसपास दरिया देखो, लोग मिनरल वाटर से धोते थे, भी साफ सुथरा पानी है, क्या साफ सुथरा पानी है, बल्कि यार रमजान है कसम खुदा की, ईद के बाद आके जरा नहाने धोने का सेटअप करना, इतना बेहतरीन ठंडा खूबसूरत पानी है, चलो हो गया तुम जाओ अस्करी, तुम लाइट पकड़ो मैं जरा वजू करूँ यार, मॉल्ट है, मॉल्ट है, टेंशन नहीं, मॉल्ट है, कुछ नहीं पी रहा हूँ, ओवर नहीं हूँ, मॉल्ट भाई जी। कपड़ा कपड़ा क्या पोजीशन है, पोजीशन बहुत अच्छी है, फुल ओके की रिपोर्ट है माशाल्लाह से, ओह सही में टिक पटी उमर भाई जी, भाई कितनी देर में बन जाएगा उमर भाई सारे, बस आधे घंटे में इंशाल्लाह, और बंदों की क्या रिपोर्ट है, बात भी लाल से बंदे बोल रहे हम खड़े हैं, बाकियों का इंतजार कर रहे हैं, वो कटिंग पे बाहर, हाँ अभी तक नहीं आया कादर, वो पता नहीं कहाँ रह गए यार, इतनी देर में तो कराची था आ जाते जब उसकी गाड़ी बन गई थी, ये लोग तो गाड़ी बना के रोजा खोल लेते, देखो भाई डेढ़ घंटा पहले हमारी हमारी हो गई इफ्तारी और हमारा बन गया व्लॉग, बारबेक्यू अपना हो गया, पैकिंग करके निकलेंगे हम चलते, अपना हो गया काम भाई, बोटिया हमने काली, मॉल्ट हमारे पास है, चाय हमारे पास है, चूल्हा हमारे पास है, आमिर हमारे पास है, गाड़ी हमारे पास है, लाइटें हमारे पास है, अस्करी हमारे पास है, सब कुछ तो हमारे पास है, आपके पास क्या है,
है हमारे पास लाला है लाला मुझे अपना तो बन गया व्लॉग भी हमारा तो खाना पीना भी हो गया जरा आसिफ क्या छुपा रहे हो जरा दिखाओ तो यार आसिफ भाई यार तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो है यार ओ हो ये अच्छा माल पानी यहाँ भरा हुआ है जमा कर रहे अच्छा 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 भाई ऐसे ऐसे बारबेक्यू बनना शुरू हो गया चाय भी हमने पी ली है स्पीड स्लो है लड़के अभी तक नहीं आए पता नहीं क्या रिपोर्ट है कहीं दूर ऑफ रोड जा शुरू होता है वहाँ फंसे बहरहाल इंतजार करते जब वो आते हैं तो फिर खाना पीना देंगे फिलहाल तो हम मजे कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं मौसम बहुत प्यारा मौसम है रोटी जरा चखाओ मौसम बड़ा ही कोई टाइट हुआ है ज़बरदस्त हवा है बिल्कुल हफ्स नहीं है मैं यहाँ तकरीबन चौथी पांचवी बार आया हूँ गर्मी के सीज़न में भी आया हूँ जून जुलाई में भी आया हूँ और लास्ट जो मैंने ASMR बनाया था सोलो व्लॉगिंग की थी वो मैं यहाँ से आगे की तरफ था क्योंकि यहाँ पूरा जो है ना ये पानी भरा हुआ था विंटर में यहाँ से आगे तक वो पूरा पानी था पीछे तक तो मैं वहाँ भी हट के पास जाके मुझे जगह मिली थी कैंप लगाने की अभी का जो मौसम है ना अप्रैल का महीना क्लास भाई आउट क्लास मैं लास्ट ईयर भी अप्रैल में आया था लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त मैं यूट्यूब और वीडियोस नहीं बनाता था लास्ट ईयर हम अप्रैल में रमज़ान से जस्ट पहले मैं यहाँ पे कैंपिंग करके गया हूँ और इसी जगह पर हमने गाड़ियाँ लगाई थी और इसी जगह पर जो है वो मेरे दो तीन दोस्त भी थे साथ तीन गाड़ियाँ थी और बच्चे भी थे साथ अप्रैल का मौसम जो है ना आइडियल है यहाँ बेहतरीन अप्रैल हो या अगस्त सितंबर के बाद हो जो विंडी सीज़न होता है पूरा ये ग्रीन ग्रास हुआ हुआ होता है और हवा चल रही होती है और ज़बरदस्त मौसम होता है कीड़े वगैरह नहीं होते हफ नहीं होते तो मज़ेदार कंफर्टेबल आप आराम से बैठ सकते हैं कैंपिंग कर सकते हैं खाना पीना बना सकते हैं लश मौसम है और देख सकते होंगे आपने ड्रोन की फुटेज भी अभी देखी उसमें भी जो है वो कैसी हवा चल रही है कि ड्रोन भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा तो बहरहाल ये है अपडेट ये है सेटअप जंगल में मंगल और गाड़ी अभी तक स्टार्ट है बैटरियाँ डाउन है मैं इंश्योरेंस नहीं ले सकता मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा है बार बार इसलिए मैं गाड़ी बंद नहीं कर रहा भाई यहाँ अंधेरे में जो है ना वो सैरी भी ख़राब हो जाएगी घर नहीं पहुँच सकेंगे तो बहरहाल इंतज़ार 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 आ जाएँ हमारे भाई साहब लोग तो फिर उनके साथ कुछ उनको भी खाना पीना पेश करें उनको भी चाय शाय पिलाएँ मॉल्ट वॉल्ट पिएँ बैठ के गपशप करें देखते हैं कब तक आते हैं। तो बोटियाँ हमने बना के हो गए फारिग और अब बारी है जी बफेलो विंग्स की इसकी जो है वो ख़ास हमारी एक सीक्रेट रेसिपी है जो कि लाला भाई बनाते हैं बफेलो विंग्स के ऊपर जो है वो बफेलो सॉस लगती है तिल लगता है शहद लगता है और सही से इसको मैरिनेट करके ख़ास 15-20 किस्म के मसालों से जो है वो लाला भाई हमारे पकाते बहुत अच्छे हैं तो तो लाला भाई के ये सीक्रेट मसाले हैं और उसके बाद ये ज़बरदस्त तैयार होते हैं बफेलो विंग्स बोटियाँ हमने बना के फारिग रखी हैं जैसे ये लोग आएंगे तो खाने बिठा देंगे इनको और ये बफेलो विंग्स भी जब तक हो जाएंगी तैयार क्या बात है उमेर भाई लगे हुए खाना पकाने पे और ये मेरे ये आ गए बाइक वाले ये आए देखो ये आई लाइटें आना शुरू हो गई हैं ये आगे टीम हमारी कहाँ चले गए थे भाई चल चल के इनके गए थे तुम लोग ये जगह तो छोड़ के साथ निकल गए इसको फिर उसको ढूंढने गया तो कैसे नहीं भाई कुछ नहीं खाली खाली पानी और सिगरेट पी पी के कैसे खैरियत है तभी ठीक है तभी ठीक है अबे भाई मैं मुँह में छा लिया अभी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें अभी भाई भाई कोई बैड एक्सपीरियंस था इफ्तार कैसी रही आप लोगों की इफ्तारी तो हमने खजूरें मैं लेके आया था घर से हाँ वो तो हमने 15-16 खजूरें थी हमने 3-4 खजूरें खा ली बहुत जबरदस्त किस्म का हमारी तो पेट पूजा हो गया उसके बाद भाई ने समोसे खिला दिए उमर ने कहा था समोसे ले लो मैंने बोला भाई ले लेते हैं अच्छा किया अच्छा किया देखो गाना भी बजाया आपके लिए आ भी जाओ इसमें लगा दूंगा चलो भाई हम तो वाइंड अप कर रहे हैं चलने का टाइम हो गया निकले चले चलो 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 घर चलो भाई चलो निकलने का टाइम हो गया तो जी ये सर्विंग शुरू हो गई है
और माशाल्लाह से सारे हमारे बंदे जो हैं वो मेहमान हजरात हमारे खाना पीना शुरू हो गया माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। हाँ जी नदीम भाई क्या बोलते हो टाइट है बारबेक्यू ज़बरदस्त सेट है क्या बनाया आपने स्पेशल लाला भाई की रेसिपी लाला भाई के मसाले लाला भाई पकाते बहुत अच्छा है इसलिए एक्सपर्ट है। जिसको आपने कोयटा की सीरीज में देखा था वो लेटते भी नहीं दोगे सही से भाई इंजीनियर है माशाल्लाह रोटी है इसके अंदर रोटी बची सारी रोटी है अल्हम्दुलिल्लाह जी खा पी लिया डिनर हो गया हमारा जबरदस्त वाला बारबेक्यू चिकन विंग्स वगैरह सब खा लिया और अब बैठ के चिल कर रहे हैं जी चाय का इंतजार कर रहे हैं। जी हमने वाइंड अप शुरू कर दिया बस यहाँ से निकलने की तैयारी है टाइम हो रहा है इस वक्त 1:15 और दरियाँ वरियाँ समेट लिए बर्तन समेट लिए हैं कुछ चेयर्स वगैरह सब डाल दिए गाड़ी में और अब हम बस निकलने की तैयारी है 10-15 मिनट 20 मिनट में निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी पसंद आई हो तो क्या करना है आप लोगों को पता है कुछ भी नहीं करो तो भी चलेगा मूड हो तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो अभी तक और इस वीडियो को करते यहीं ख़त्म इस व्लॉग को इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में अगले किसी व्लॉग में तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा हम लोग निकलते हैं शहरी से पहले घर भी पहुँचने मुझे दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज़।